अभी मॉर्निंग में बच्चे जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ छत पे। हाँ, आपके साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करनी है सुबह सुबह, अभी छत पे बताती हूँ। हमारा माइंड तो पॉजिटिव हुआ, हमें दिखा कुछ नहीं, बट जब हमारा माइंड पॉजिटिव है, हमारे तो मैं मम्मी इतनी डेटिंग ही कितनी हाँ में हाँ मिलवा ले। बड़ी माँ लाई चौक चौक में फ्रॉक, लड़की ले लिए क्रोशिया की फिर सेम कलर में दूसरी फ्रॉक। हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू राशि डेढ़ांस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बहुत बार देख चुके हैं सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है किचन से, और मेरी नहीं ऑलमोस्ट हर लेडीज़ की किचन से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हम है किचन क्वीन, है ना, तो हमें किचन में आना ही पड़ता है। और अभी मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैंने फटाफट से ये स्पीड पे लगा दिया, क्योंकि ना ये दो दिन का ब्लॉग था, और मैंने सोचा चलिए एक साथ ही थोड़ा सा मर्ज करके दोनों दिन का ब्लॉग एक साथ दिखा देती हूँ। अभी थोड़ा सा डिले हो गया था, तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को ना अपने बालों में लेना है एक ट्रीटमेंट। सो मैंने कहा मतलब भैया टाइम पर आ जाएंगे, तो उसके लिए मुझे ना जल्दी से अपना काम ख़त्म करना था। तो सुबह चाय और बिस्किट वगैरह के बाद जो घर में सबको यही खाते हैं नाश्ते में, कोई तो आज रोटी खाएगा, रोटी सब्जी छाछ वगैरह चटनी से परांठे, या कोई सब्जी परांठे, मतलब इस टाइप का आज नाश्ता रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ जिसको जैसा जो खाना है। और यहाँ पे आ चुके हैं भैया, सो मैं करवा रही हूँ अपने बालों में नैनो प्लास्टिया, सो उसकी डिटेल मैं आगे शेयर करूँगी। और डीवा मैडम यही है मेरे साथ देख रही है, तो अभी तक मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि डीवा के बाल कट कराने हैं नहीं। सो पहले मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कलर का टचअप, एंड देन मैं कराऊंगी नैनोप्लास्टिया, जो कि केराटिन का ही अपग्रेड वर्जन है। घर पे ही करा रही हूँ, और जो भैया आए हुए हैं तो वो मेरे बालों में करेंगे हेयर कलर और नैनोप्लास्टिया वगैरह, क्योंकि बाल हुए थे काफ़ी ज़्यादा रफ, और ना थोड़े से ग्रे हेयर भी आए, मतलब मुझे लगता है कि चलो बालों में एक बार ना टचअप वगैरह करा लेती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा टूट फूट भी रहे थे, क्योंकि ना जो हेयर कलर हम करा लेते हैं इनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है ऐसे लंबे मोटे काले घने वालों से अच्छा मुझे लगता है थोड़ा सा कलर, मतलब वो मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी ये सब कितनी पर्सनल चॉइस रहती है। मुझे लगता है कि थोड़े कलर्ड हेयर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने ऊपर, और करवाने से ही लगते हैं, तो इसलिए मैं टाइम टाइम पर इनके लिए कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ कभी ये वो। तो अब आजकल इसमें जो लेटेस्ट टेक्निक चली है वो है नैनोप्लास्टिया, वो उनके लिए रहती है जिनके बाल ऑलमोस्ट थोड़े से स्ट्रेट रहते हैं और थोड़े बहुत कराने हैं, बाकी स्मूथ स्मूथ से हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक बाउंस दिख रहा होगा, तो क्या है ना ये थोड़े फूले दिखते हैं नीचे के स्ट्रेट, तो वो अजीब से लगते थे, इसको मिक्स करने के लिए ना, तो मैं ले रही हूँ नैनोप्लास्टिया का इसका एक ट्रीटमेंट बालों में। तो जैसा भी रहेगा पूरा आपके साथ शेयर करूँगी, बाद में आपको दिखाऊँगी फुल इसका। और बाल थोड़े से डल भी हो रखे थे रफ से, अभी सर्दियाँ गई फिर उसके बाद काफ़ी दिन से कुछ कराया ही नहीं, ठंड में तो मेरा मन नहीं करता बालों में कुछ कराने का, तो अब मौसम चेंज हो रहा है नवरात्रि आने से पहले मैं सोचा चलो बालों को करा लेती थोड़ी सी इनकी कायापलट, तो अभी ऐसे हैं और बाद में आपको दिखाऊंगी ये कैसे हो जाएंगे। सो होने के बाद आपको इसके साथ शेयर करूंगी। अच्छे से कराना है, रोना नहीं है, कर ले फिर ठीक है। रोती तो नहीं है, इतना चिल्लिया मैं तो नहीं जिन्हू तो नहीं करेगी अब।
से बाल कटवा दे त्रिपति भाई जान गए दो टकले थे त्रिपति गए थे दिखा दो कैसी ले पाल ले और चाय ला दी से ना चलो जल्दी से मशीन से ना ब्लेड लगा दे ना अब रहने ऐसी ठीक है वो अब तो आ गए अब तो हो गया
सो गाइज नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, रात को आपने डिवा की वीडियो कॉल देखी। एक्चुअली उसने फ़ोन ऑन करा, वीडियो बनाई और सोची कॉल है। तो मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ घी वाला पानी। इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है और इसको बैठ के पीऊँगी आराम से नीचे। और ये पियेंगे हम मलासन में। इस तरह से बैठ के पीने से एक तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है, घी डालने से हमारी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कि स्किन के लिए, हेयर के लिए और आपके इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है ये। तो इसके लिए मैंने इसको लिया है एक चम्मच। और अब मैं बना रही हूँ चाय, तो मैं नहाऊँगी और फिर जाऊँगी अपनी पूजा पाठ करूँगी। अभी दीदी आज बनाएगी नाश्ता बच्चों का, क्योंकि मेरे बाल खुले हुए थे ना तो मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ पैक करा है। सो वही बना के लेके आई थी लंच दोनों के लिए। बालों में कुछ भी ट्रीटमेंट करा लो वैसे तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर उनके साथ सोना और उनको संभालना, मतलब एक दो दिन जितने वो ऐसे पड़े रहते हैं, काफ़ी मुश्किल रहती है। तो दीदी जाएगी अब बच्चों को छोड़ने स्कूल, सो मैं अपने नहाऊँगी उस टाइम पर और अपने रूटीन में लग जाऊँगी। तो वो चले गए हैं, मैं नहा धो ली हूँ अपना और अब लग गई हूँ अपने काम में। तो मेरा मॉर्निंग में पहला काम रहता है उठना और छत पर जाना अपनी पूजा पाठ करना। और आपको आज एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ दूंगी, तो चलिए चलते हैं छत पर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। सो अभी मॉर्निंग में बच्चे जा चुके हैं, मैं जा रही हूँ छत पर। हाँ, आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है सुबह सुबह। अभी छत पे बताती हूँ। सो हमारा जो मिट्टू है उड़ गया था वो मिल गया है वापस। ये आ गया मिट्टू, मिट्टू मिट्टू, ये वाला है जो सुन रहा है, देखे आप इसको मिट्टू मिठी मिठू मिठू मिठू, वो बोल रहा है मिठू 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 मिठू। क्या हुआ? इनकी तादाद आपको ज़्यादा दिख रही है, वहाँ पे दो छोटे बर्ड और हो गए हैं। ये वाला वापस मिल गया, एक नया आ गया था उसका पार्टनर, वो जो उधर कोने में घूम रहा है। मिठू तो मुझे लग रहा था यहाँ पे गर्मी हो गई है, तो सामने से धूप पड़ रही होगी शायद इनको, इसलिए मैंने बेडशीट लगा दी थोड़ी सी ताकि धूप कम हो जाए और ये आराम से बैठ सकें, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए ही आती है यहाँ पे सामने धूप, वरना वो फिर घूम जाता है ना तो धूप नहीं आती है, पूरे दिन ही आराम से बैठे रहते हैं। बस ये कुछ देर के लिए रहती है, आधा घंटा मुश्किल से। बट उतनी देर में मुझे लग रहा था कि यार दिक्कत हो जाएगी इनको, तो मैंने वो ढक दिया। और गाइस जब आप लोग बोलते हैं ना कि इनको छोड़ दो, वैसे तो देखिए मैं तो इस फेवर में हूँ नहीं, मैंने कहा हमारे घर में कोई भी नहीं है पक्षी पालने के, बट मिकी जिद करता है तो उसके लिए रख रखे हैं। और हमने कई बार ना इनको उड़ाया भी है, तो फिर क्या हुआ ये उड़ ही नहीं पाते, इनके पर तो होते हैं, जैसे कि मिट्टू भी उस दिन थोड़ा बहुत उड़ गया, फिर ये नीचे जाके रोड पर बैठ गया। तो ये नीचे जाके तो इनको बिल्ली बिल्ली खा जाएगी, या फिर ये किसी सवारी के नीचे आ जाएंगे, तो इनके साथ ऐसा भी कुछ हादसा हो सकता है। तो या तो इनको लो ही मत, या फिर जब लिए हैं तो फिर इनको अच्छे से पालना चाहिए, क्योंकि ये ना उड़ नहीं पाते हैं। और यही हुआ इनके साथ, तो मिट्टू भी ऐसे ही कहीं आसपास के घर में ही पहुंच गया था, तो वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे है, फिर हम लेके आए इसको एक दो दिन बाद, मतलब मुश्किल से एक दो दिन तो नहीं, हफ्ते भर बाद मतलब ये पता चला कि मिट्टू है यहाँ पे, तो लेके आए इसको, पहचान लिया मिकी ने। और इसने भी देखते ही पहचानने शुरू कर दिया, मिट्टू मिट्टू बोलना शुरू कर दिया था, और बहुत ही अच्छा था। बट उस दिन उस टाइम ना डीवा की हेयर कट वगैरह सब चल रहे थे, तो वो सब चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई जब ये मिट्टू मिला और लेके आए। और इनको भी डेढ़ एक साल हो गया है आए हुए, और अब वापस मिल गया तो बहुत अच्छा लगा, चाहे एक पक्षी हो घर में वापस आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अपनी चाय पियूँगी एंड देन करूँगी नाश्ते की तैयारी। आज खाने में मतलब नाश्ते में बनाए हैं प्याज के पराठे। सो अगेन प्याज उसी तरह से भून के बनाई है, तो इससे क्या है स्टफिंग ख़राब नहीं होती। और जब कोई इतने जैसे उस दिन काफ़ी अच्छे बने थे तो इनको अच्छा लगा, और मेरे लिए भी बढ़िया ही है। सो मैंने अपने वेट लॉस के लिए भी यही लेती हूँ, और एक एप्पल लिया था साथ में नाश्ते में, और प्याज के पराठे और थोड़ी सी चाय। तो आज मैंने करवा लिया है अपना वॉशरूम क्लीन, खुद से नहीं करा आज क्योंकि मेरे बाल अभी गीले हो जाते, कुछ हो जाता, तो सारा अपने अच्छे से क्लीन करवा लिया हेल्पर से ही।
सो गाइज आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दी हम आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, आप इतना काम कर लेते हो और इतने पॉजिटिव रहते हो कैसे। सो गाइज देखिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का रहता है, अगर अब जैसे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, टाइम से उठते हैं और टाइम से चीज़ों को करते हैं, तो वो चीज़ें ना बहुत आराम से तसल्ली से हमारी हो जाती हैं और टाइम इतना मिल जाता है दिन में कि हम एक्स्ट्रा भी कुछ काम कर सकें। सो नवरात्रों की तैयारी हो रही है हमारी जोर शोर से। सो गाइज आप लोगों में किस किस के घर में नवरात्रों की तैयारी हो चुकी हैं शुरू बताना ज़रूर। वैसे तो मेरी काफ़ी दिन पहले हो गई थी तो ये। सो गाइज देखिए बच्चे वगैरह चले गए स्कूल या अपना बच्चे गए ना, बच्चे आने का टाइम होगा। हाँ आज तो आने वाले, इतने दिन बाद स्कूल जाके कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मतलब उन्हें भेज के? भेज के मैं सोई एक घंटा छोड़ का के। ये चैन की राहत है ना, जब बच्चे ने जाना रहे बेशक मम्मी जल्दी उठ जाए पर फ्री हम जब ही रहे जब वो स्कूल जाए। और अब मेरा पता किस चीज़ की टेंशन हो रही है, रमी की छुट्टी पड़ने वाली और वैसे सुनने में आ रहा है इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, अभी से देख लेता तो मई के स्टार्टिंग में ही छुट्टी पड़ जाएंगी। आज सुबह यूं तो हिसाब लगा रहे पापा कह रहे कि ये गए कितने दिन, दिसंबर के बाद फिर जनवरी तो पूरे छुट्टी में गया, सर्दी में की छुट्टी, फरवरी में भी फिर यूं ही हाल रहा, फरवरी में स्टार्टिंग में पेपर, स्टार्टिंग में पेपर हो गए अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार गर्मी जल्दी आएंगी ना। इन्हें कोई ना यहाँ भी कहीं भेजा कर स्कूल ट्यूशन पढ़ा रहे मस्त। चीकू तेरा भी डीवा के साथ में नाम लिखवा, तुम दोनों पहुंच जाओ स्कूल। गंजी का हीरे मोतियों वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर है, हीरे मोती जैसा पहन रखा हो वैसा सही शेड दे रहा हूँ, शेड तो वही है। हीरे मोती ये ऐसा लग रहा है तुम देखने में ऐसा हीरे जड़ रहे हो जो ये के मिरर है देख। अच्छा ये हीरे वाला सूट के नाम से फेमस सूट है, हीरे जड़े हुए हैं। अच्छा जी हेलो, और ऐसा वाला मैं अभी सिलने देखने आई हूँ। कुछ फील ना हुआ। सो गाइज मैं इस औरत से पूछ रही हूँ, ये भी सेम उस बाथरूम में पहले मम्मी के साथ गई है ना? मैं मम्मी गई हूँ, चुमा क्यों ना लगा जब मामा हो तो? हम मैं मम्मी गई, एक आंटी और आई, हमें तो कुछ नहीं। आंटी भी है कोई मतलब आई मैं हमारे बाहर कौन ही आंटी फिर तुमने देखी? आवाम मॉल में तो कोई साड़ी सूड़ी वाली कोई औरत ही नहीं आई। फिर कुछ ना लगा मैं तो आप बहुत बहादुर हो। मैंने कि भैया डरने से काम थोड़ी चलेगा, मैं हूँ तो है ही, मैंने जो है सो अपनी जगह रहे, हम आए हम तो अपना यूज करके जाएंगे वॉशरूम। हमने बहुत अबूत लगा रखी है बढ़िया, पर पता क्या पर कुछ तो चीज ही नहीं, दोनों ने कैसे फील होती पिंकी और मो? पिंकी से तो यहाँ बैठ कह रही ना, पिंकी से तक क्या हिल रहा, पिंकी कह रही हाँ भाभी हिल रहा है। पिंकी से तो अभी ये कह रही है ना कि देख चीकू को कुछ होगा होगा, हाँ कुछ होगा, पढ़ाई आ जाए बस, तो कितनी हाँ मैं हाँ मिलवा ले बहू को। तो गाइज एक पिंकी दीदी की एक बढ़िया बात होता हूँ, किसी की बहू बनाएगी ना तो सास तो इतना हाजी लगेगी वो आवाज यूँ कहते ऐसे तो वो हम तुमने कही तो सही है सही है। अब पिंकी देखेगी हम लोग कहेंगे मैं बताऊंगी तुम्हें अभी आती हूँ। तुम तारीफ तो कर रहे हैं, यूँ कह रही भाभी यूँ कहना चाह रही है कि पिंकी दीदी बढ़िया, किसी एक इंसान ने दुखी नहीं कर सकती ना, किसी एक का नाराज मतलब सबकी हमें हाँ रख ले। हम ये कहेंगे ना पिंकी दीदी ऐसा कहेगी हाँ ऐसे, यू कहेगी ना कि यू ऐसे तो कहेगी हाँ ऐसे, तो उनके साथ नहीं तो सुन मैंने ना कही मो तो पता ही पिंकी डरेगी या हमारा तो मैं मन में अपना बिल्कुल है ना ढांढस बंद क्यों कह रही ना ऐसे कुछ ना हो, मेरी चुन्नी से ही चल रहा यू ऐसे ही हो रहा हूँ मतलब निकलने का बाद और भक्का है ना जब वॉशरूम गए ना तो मम्मी सबसे कोने वाले वहाँ चला रही हूँ चलना रहा है, मम्मी कह रही चलना रहा है, मम्मी इधर वाला चल रहा है जब मैं यूज कर रही मेरी सही से चलो ये वैसे वाले हैं सेंसर वाले हैं चल जाए, मुझे ना चल रहा मैं ठीक है वाले मैंने ऑन करके दे दिया कि मैं वॉश कर लो हैंड अपने, फिर वो चल गया तो वे उधर से चल भी ना रहे हैं वे चले ही ना है ना, और जो बीच वाला वो अपने आप चले जा रहा हूँ ठीक है तो सेंसर वाले है। फिर सुन तो सेंसर वाले है और फिर वे दो भी अपने आप चल के बंद हो गए, अंदर अपने आप फ्लश होगा, फिर जो गेट खुले पड़े वो अपने आप लॉक हो, और फिर जो पिंकी गई दोबारा अपने आप खुला पड़ा है
हम तो बहुत देर रुके पड़े वो मैं पिंकी ने धक्का मारो खुला ना अरे बाद में आई क्योंकि लॉक हो लग रहा था लॉक कर रखा चाहिए बाद में आई तो अगर खुला पड़ा ऐसा तो लगे ही है अगली बार कभी तेरे साथ होएगा ना तो कोई जब हम भी तो कह देंगे पागलपन है तेरा तेरे बाद साथ हुआ नहीं हुआ तो गाइज आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे दम आलू की सब्जी शाम की तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली जब हम दिन में दीदी और मैं बैठे थे ना तो सोचा था नवरात्रों की शॉपिंग के लिए मार्केट चलेंगे तो उसने कहा ठीक है मैंने कहा कि चलो शाम के लिए ना कुछ खाना मैं बना लूँगी मतलब जैसे तैयारी कर लूँगी कान्हा के पापा दाल वगैरह कम खाते हैं तो मैंने कहा चलो उनके लिए दम आलू बना दूँगी वरना मार्केट से आऊँगी और कुछ साथ साथ बनता है तो ठीक है मार्केट से आके थक जाते हैं तो इसलिए मैंने सोचा दम आलू मैं बना लूँगी और दाल वगैरह दीदी बना लेगी तो यहाँ पे ना मैंने दम आलू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं एक सीटी लगाई बंद कर दी और यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर और इसमें लिए हैं मैंने नारियल का बुरादा काजू और मगज तो उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है और आलू की एक सीटी में मतलब पानी से निकाल कर उनको ठंडा होने रख दिया था और मैंने उनको फटाफट छील लिया और एकदम महीन सा इनका पेस्ट बनाना है बिल्कुल पतला सा इस तरह का बारीक होना चाहिए और आलू छील के और फिर इनको हम करेंगे डीप फ्राई तो मैंने 8-9 आलू ही लिए थे क्योंकि थोड़े बड़े साइज के आलू में ही होंगी दो आलू लिए छोटे होते तो दो लिए मैंने ताजा दही और बीच में गाने के पापा आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय ब्रेड मिर्च डाली है धनिया और जब मैं ये बना रही थी ना तो मैंने उनसे कहा था कि मैं और डाली है हल्दी साथ में डाली है इसमें मैंने हींग सौंफ नहीं थी सौंफ को भून के मतलब सौंफ का पाउडर नहीं था तो मैंने भून को उसको दरदरा सा कूट लिया और उसको भी इसमें मिला दिया है साथ में मैंने कसूरी मेथी थी वो भी तवे पर भून के इसका मतलब पाउडर सा बना के वो भी इसमें ऐड कर दिया और इन सबको मिक्स कर लिया इसमें फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें साथ में ऐड होगा बेसन एक चम्मच कच्चा हो सकता है भून के भी हो सकता है और ले लिया है मैंने तेल और लेंगे इसमें चना मसाला सो गाइज ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है अगर आप कभी वैसे खाना मतलब कोई बिना लहसुन का कभी बनाना हो और मसाले यूज़ कर सकते हो तो ऐसा भी बना सकते हैं तो एकदम बहुत तेज़ गरम वाले तेल में ना आलू डाल देने हैं और एकदम से डालते हैं तब इस पर कोटिंग आती है और इनको हमें भून के इतना मतलब डार्क ब्राउन सा कर लेना है और ये तक काफ़ी गर्म थे तो मैंने ना इसको टूथपिक की हेल्प से इसको प्रिक कर रही थी और इनमें ना इतनी गर्म गर्म थे तो पकड़े नहीं जा रहे थे तो मैं इसमें से सीख आर पार ही करी फिर मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया और उसमें डाला है मैंने तेल फिर डाला है जीरा और ये ना अभी हलवाई लगे थे घर पे तो उन्हीं का बचा हुआ वो था गर्म मसाला वो डाल दिया है फिर डाल दिए इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक हरी मिर्च और जो टमाटर वाला पेस्ट था वो ग्रेवी तो वो पहले ऐड करी है इसमें फिर इसको भूनेंगे अच्छे से देखिए इसमें अब कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें डाला है मैंने नमक और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है वो दही वाला पेस्ट जो है तो गैस सिम रख लेनी है इस टाइम पे जब दही का पेस्ट ऐड करें और इसको अच्छे से चलाते हुए भून लें और इसको काफ़ी देर तक भूनना है अब ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी तो इसमें हमें आलू ऐड कर देने हैं आलू ऐड करने के बाद ये ग्रेवी इसमें अंदर तक चली जाएगी जो हमने प्रिक करा था तो इसको हमें पतला करने के लिए इसमें दूध ऐड करना है सो यहाँ पर मेरी सब्जी हो गई थी रेडी और अब मैं अपने शाम के मार्केट तो आज नहीं जा पाई क्योंकि दीदी सो गई थी और फिर जब मैंने उससे पूछा तो कह रही नहीं मैं अब सो गया मैं नहीं जा रही तो मैंने कहा चलो भैया हमारा ये प्लान तो कैंसिल हो गया फिर मैंने अपना फेस वॉश वगैरह करा अब अपने शाम का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ सो गाइज फेस वॉश का ग्लो आपको दिख रहा होगा आप लोग रेगुलर पूछ रहे हैं कौन सा फेस वॉश है सो मैंने यूज़ कर रही हूँ राइस का फेस वॉश है एक तो उसके साथ रिव्यू शेयर करूँगी बट अभी मुझे हफ्ता भर हो गया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ शाम के टाइम भी सनस्क्रीन क्योंकि अभी मुझे खाना वगैरह बनाना पड़ेगा तो फिर से हीट लगेगी अब रात को बिल्कुल रात के टाइम में सारे सनस्क्रीन वगैरह हटा के तब रखती हूँ नहीं तो दिन में दो बार सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ अब लगाऊंगी हल्की सी लिप बाम और अब जाएंगे हम छत पे वॉक करने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी है शाम की मैंने बट उससे पहले मैंने अपना मुंह हाथ धो के और ये शाम की पूजा पाठ का टाइम रहता है तो इस टाइम मैं अपना 10-15 मिनट पूजा में देती हूँ और शाम को अपनी जोत बत्ती करके तब जाती हूँ छत पे वॉक करने क्योंकि अभी ना खाने का टाइम है किसी का ना कुछ और कान्हा को पढ़ाने के लिए भी जो टाइम रहता है वो इसके बाद ही होगा क्योंकि अभी तो उसको खेलने का उसका भी टाइम रहता है डीवा भी यहाँ खेल रही है सो ये मेरे को 5 मिनट चाहिए शांति से पूजा पाठ के अपने तो अभी आ गए हम छत पे और यहाँ पे सारी चिड़िया तो अपना मस्त खेल रहे हैं
सो मैंने और पिंकी जी ने करी थोड़ी लेट तक वॉक, क्योंकि ये टाइम होता है दीदी के खाना बनाने का, तो वो लगी हुई थी अपनी दाल वाल बनाने में। तो आज हम दोनों ने ये वॉक करी। अब नीचे जाके मैंने काना को पढ़ाया, खाना वाना सबका हो चुका था और सबको सब्जी आज बहुत टेस्टी लगी। गाइज आप लोग भी जब ये रेसिपी ट्राई करें तो बताना ज़रूर कमेंट में कैसी लगी आपको। स्किन नोज इस आदमी की रोज कंप्लेन रहे, तुम रोज घिसे पिटे हुए ही खाना खिलाओ। आज मैंने इतनी मेहनत करके बनाई दम आलू है ना, और ये शख्स डिनर छोड़ के बाहर चले गए डिनर करने। किसके साथ? साथ बात कुछ भी हो गए तो है, जबकि तुम्हें पता ही, मैं उस टाइम तुम आए, मैं दम आलू बना रही हूँ, मैंने कि डिनर घर पे करना है अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। क्या मोटा तकड़ा क्या जासूस बनता रे, तुम क्या मालूम अपा क्या क्या करते, तुम्हें क्या देखते क्या देखते, तुम भी गंजे हैदराबादी होते क्या टकला सुर? तो गाइस ये था मेरा मॉर्निंग से नाइट तक का पूरा दिन का रूटीन। कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।